नेमावर में नदी से शव को निकालने के दौरान खुद थाना प्रभारी हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि शव निकालने के दौरान टीआई राजाराम वास्कले नदी में डूब गए, जिनको टीम की मदद से बाहर निकाला गया। तुरंत उन्हें जिला अस्पताल हरदा रेफर किया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस हादसे पर दुख जताया। थाना प्रभारी राजाराम वास्कले को सूचना मिली थी कि कुंड गांव की नदी में एक अज्ञात शव तैर रहा है। सूचना के आधार पर टीआई शव निकलवाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन शव निकालने के दौरान दुर्भाग्य से वो हादसे का शिकार हो गए। जामनेर नदी में जा गिरे, जिसके बाद टीम और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और तुरंत हरदा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आज हमने एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी खो दिया है। हमारी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। मैं राजाराम वास्कले के चरणों में नमन करता हूँ। डूबने से मौत हुई, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नेमावर के थाना प्रभारी राजाराम वास्कले यंग थे, युवा थे, और एक डेड बॉडी जामने नदी में भोंगरी में फंसी हुई थी। तो प्रयास किया, नहीं निकल रही थी, तो ये उसको निकालने में भोंगरी में फंसने से और पानी के अंदर डूबकर उससे मृत्यु, बहुत दुखद घटना है। हम सब स्तब्ध हैं, लेकिन एक कर्तव्यपरायण अधिकारी हमने खो दिया है। हम ऐसे कर्तव्यपरायण अधिकारी, दमदार अधिकारी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और सरकार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से भी मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। थाना प्रभारी नेमावर राजाराम वास्कले को सूचना मिली थी कि कुंडगांव में डैम में एक डेड बॉडी है, तो मौके पर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे थे और वो डेड बॉडी जो थी वो भंवर में घूम रही थी, जो कि राजाराम वास्कले बहुत संवेदनशील पुलिस अधिकारी थे, तो उनने सोचा कि वो डेड बॉडी को स्वयं निकाल लेंगे और वो अपना कपड़ा निकाल के उस नदी में उस डेड बॉडी को निकालने के लिए कूद गए। दुर्भाग्य से उस भंवर में वो स्वतः फंस गए और फंसने के बाद थोड़ा उस भंवर में डूब जैसे गए, और जब उनको बाहर निकाला गया, पंपिंग की गई, उनका पानी निकाला गया, CPR किया गया, नेमावर अस्पताल लाया गया, फिर हरदा में लाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।